नमस्कार दोस्तों, मिस्टर जोलीज म्यूजिक क्लासेस चैनल पर एक और नए नॉलेजफुल वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है कुलविंदर जोली और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही परेशान करने वाले टॉपिक पर बात करेंगे, जिसमें संगीत सीखने वालों को ही क्या, हर किसी को ही परेशान किया हुआ है। इसे टॉपिक भी क्या कहूँ, एक तरह की टेंशन ही कह लीजिए, जो बहुत सारे संगीत सीखने वालों के मन में चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले, ताकि आपको ऐसे ही संगीत से रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आप अभी तक हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर नहीं जुड़े हैं तो वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। सभी सोशल मीडिया के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और एक बात, इस चैनल पर मैं ये म्यूजिक का कोर्स आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखा रहा हूँ। अगर आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज उन्हें भी देख लेना। तो चलिए अब इस वीडियो के मेन टॉपिक पर बात करते हैं। दोस्तों, जो भी लोग संगीत सीख रहे हैं उनके मन में एक बात इस वक्त जरूर चल रही होगी कि चारों तरफ तो कोरोना फैला हुआ है और हर जगह लॉकडाउन लगे हुए हैं, तो प्रोग्राम तो होंगे ही नहीं, तो संगीत सीखने का क्या फायदा होगा। अगर हम संगीत सीखेंगे तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी, प्रोग्राम तो होंगे ही नहीं, जब प्रोग्राम ही नहीं होंगे तो हम नाम, पैसा और शोहरत कहाँ से कमाएंगे, हमारी तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पर दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि चाहे कोरोना काल हो चाहे नॉर्मल लाइफ हो, आपको प्रोग्राम के पीछे नहीं भागना है। चाहे कैसे भी हालात हो, आपको अपना रियाज जारी रखना है, आपको अपना रियाज रेगुलर करना है, क्योंकि संगीत में प्रोग्राम्स के अलावा बहुत सारे स्कोप है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, जिसका नाम है संगीत में कैरियर और स्कोप्स। संगीत सीखने वालों के लिए बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है। फिर भी जब इस वीडियो में बात चली ही रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि संगीत में प्रोग्राम्स के अलावा भी ऐसे बहुत सारे स्कोप हैं जिनमें आप नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। तो चलिए अब उनके बारे में आपको बताते हैं। अगर आपको संगीत की अच्छी खासी जानकारी है तो आप एक यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें लोगों को संगीत सिखाकर नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ कमा सकते हैं। बस आपको मेरी तरह वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करनी है। धीरे धीरे आपकी पहचान बनने लगेगी, आपको लोग जानने लगेंगे। उसके बाद अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको पैसे भी आने लगेंगे। और वैसे भी किसी भी फील्ड में पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ वक्त तो जरूर लगता है। उसके साथ साथ आप अपना एक म्यूजिक का कोर्स बनाकर भी लोगों को यूट्यूब पर सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने सॉन्ग रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करके उसमें भी आप नाम, पैसा, शोहरत कमा सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को ऑनलाइन म्यूजिक भी सिखा सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के द्वारा आप लोगों को क्लास दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको संगीत की अच्छी खासी जानकारी है तो आप म्यूजिक प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं। उसमें आप लोगों के गीतों की धुन बनाकर मास्टरिंग, मिक्सिंग करके उसमें भी आप नाम, पैसा, शोहरत कमा सकते हैं। आप अपनी पहचान अदर सोशल मीडिया पर भी बढ़ा सकते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया है। तो आपने सुन ही लिया है कि संगीत में प्रोग्राम्स के अलावा बहुत सारे स्कोप हैं। इन स्कोप्स के अलावा और भी स्कोप्स हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि जो लोग इस बात की टेंशन लेकर बैठे हुए हैं कि लॉकडाउन में प्रोग्राम नहीं है, तो आप बेचिंता होकर संगीत सीखते रहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोरोना जैसी महामारी हमेशा ही इस दुनिया में रहेगी। इसका इलाज निकालने के लिए बहुत सारी कोशिशें की जा रही हैं। रात कितनी भी गहरी हो वो सुबह को आने से रोक नहीं सकती। ऐसे ही एक दिन ऐसा आएगा कि ये कोरोना जैसी महामारी खत्म हो जाएगी और फिर ये लाइफ पहले की तरह हो जाएगी। प्रोग्राम्स भी होंगे, जागरण भी होंगे, जिनमें आप परफॉर्म करके नाम, पैसा, शोहरत कमा पाएंगे। लेकिन जब तक ये कोरोना की महामारी है, जिनको ये लग रहा है कि उनके पास प्रोग्राम नहीं है, तो जो टिप्स मैंने आपको बताए हैं वो फॉलो करके आप नाम, पैसा, शोहरत कमा सकते हैं। चाहे आप किसी भी टाइप के सिंगर हैं, चाहे आप कव्वाली गाते हैं, भजन गाते हैं, भेंट गाते हैं, या पॉप या रैप, जो कुछ भी गाते हैं, आप अपना रियाज हमेशा जारी रखें। क्योंकि अगर आप अभी रियाज छोड़ देते हैं और बाद में कोरोना की वैक्सीन निकल जाती है, अगर आपके 6 महीने भी खराब हो गए तो आपको वो कवर करने मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए आप अपना रियाज हमेशा जारी रखें और नए नए तरीके खोजते रहें कि आप म्यूजिक के फील्ड में नाम, पैसा, शोहरत कैसे कैसे कमा सकते हैं। मुझे इस वीडियो में बस यही कहना था कि आप हौसला बिल्कुल मत छोड़ें। आपने जैसा सोचा वैसा होगा, लेकिन उसके लिए टाइम लग सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत,
मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नए नॉलेजफुल वीडियो में, जब तक जय माता दी।